हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नरिशिंग फूड किचन। आज हम साबुदाना रेसिपीज देखेंगे। तीन तरीकों से बनाई है, रेड, ग्रीन, नॉर्मल। आप एक येलो कलर की बना सकते हैं, सेम जैसे पोहे बनाते हैं। सेम प्रोसेस में अगर आप साबुदाना डालें, काफ़ी टेस्टी साबुदाना लगता है, लेकिन वो व्रत में नहीं चलता। तो लेट्स सी वन बाय वन। अब साबुदाना कैसे भिगाना है वो हम देख रहे हैं। हल्के हाथ से दो से तीन बार पानी डाल के निकाल लेना है, ज़्यादा रगड़ के नहीं साफ करना है। अब बोल में बहुत सारा पानी डाल के साबुदाना को दो तीन घंटे पूरा भीग जाने दीजिए। दो या तीन घंटे बाद आप उसको एक आधी छन्नी में ड्रेन कर लीजिए। और अब वैसा ड्रेन साबुदाना दो तीन घंटे के लिए रहने दीजिए। साबुदाना को जितना पानी सोख करना है, पहले दो तीन घंटे में वो कर चुका है, और अब छन्नी में डाल के ड्रेन करने से जो भी एक्सेस वाटर है वो दो तीन घंटों में पूरी तरह से उसमें से निकल जाएगा। इससे साबुदाना चिपकने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब एक बाउल में मैंने भीगा हुआ साबुदाना ले लिया है, उसमें थोड़ा सा कैशू नट पाउडर और थोड़ा सा ग्राउंड नट का पाउडर मिक्स कर दिया। आप सिर्फ ग्राउंड नट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, मिश्री, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा काला नमक वन बाय वन ऐड कर देना है। और इस सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई में तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। अब उसमें मैंने चॉप्ड पोटैटो डाला है, कच्चे आलू को भी आप कट करके डाल सकते हैं, या बॉइल्ड पोटैटो हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मूंगफली डाला है और कैश्यूज डाले हैं। व्रत में पनीर चलता है, इसलिए मैं पनीर डाल रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप बिल्कुल पसंद ना करते हो तो स्किप कर दीजिए। बॉल में हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया था साबुदाना में, तो इधर काफ़ी कम नमक डालना है। और अब जो हम मिक्सचर हमने साबुदाना का रेडी करके रखा है वो कढ़ाई में डाल दीजिए। इसको फास्ट फास्ट हलाना है, थोड़ा हाई फ्लेम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पे फास्ट फास्ट हलाना है।
ऐसे ही पलट पलट के 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। इससे साबुदाना बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें मूंगफली पाउडर वगैरह शुरुआत में ही डाल दिया है। अब उसमें मैंने चॉप्ड हरा धनिया डाल दिया है और नींबू निचोड़ लिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसे ढक के स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। यहाँ एक्चुअली मैंने फ्लेम बंद कर दी थी क्योंकि मैंने धनिया रेडी नहीं रखा था। मिक्सी जार में अदरक, मिर्ची और हरा धनिया ले लिया है, उसका पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करते वक्त पानी बिल्कुल ना डालें। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा जीरा, आलू, पीनट्स और कैशू नट्स डाल दिया। पीनट्स और कैशू नट्स आपको अच्छे ना लगते हो आप ना डालें, पनीर भी टोटली ऑप्शनल है। अब उसमें जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सर में वो ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसमें साबुदाना ऐड कर लेना है जो हमने बॉल में बना के रखा था। अब हाई फ्लेम पे क्विकली हला लेना है 2-3 मिनट के लिए। बिना ढके ऐसे ही फास्ट 2-3 मिनट में थोड़ा सा पका लेना है और फिर फ्लेम लो करके उसे ढक के 1-2 मिनट के लिए पकने दीजिए। ऐसे करने से खिचड़ी बिल्कुल नहीं चिपकती।
अब हम लाल वाला साबुदाना बनाने जा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। एक मिक्सी जार में मैंने लाल मिर्च ले ली है। ये ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है और इसमें के जो सीड्स है वो मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं ताकि तीखापन उसको ज़्यादा ना आए। इसमें अभी मैंने पीनट्स डाल लिए हैं, रोस्टेड पीनट्स। ये मेरी बच्ची भी काफ़ी पसंद करती है इसलिए मैं इसमें कम मिर्च डाल रही हूँ। एक्चुअली इसका टेस्ट काफ़ी ब्लैंड हुआ था, आप इसका डबल मिर्ची डाल सकते हैं। अब इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल देना है। शेंगदाने की आप चटनी बनाते हैं हमेशा, बिल्कुल वैसी चटनी बना लेनी है, बट लहसुन नहीं डालना है क्योंकि व्रत का है। अब एक बोल में भिगाया हुआ साबुदाना ले लेना है, उसमें हम ये पिसी हुई चटनी मिक्स कर लेंगे। इस चटनी की वजह से उसको लाल रंग आ जाता है लेकिन ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ये वाले साबुदाना में आलू और बाकी चीज़ें पसंद नहीं है। कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया। उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है। चॉप्ड आलू डाल दिए मैंने। आप उबले आलू पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब जो हमने साबुदाना मिक्सचर किया था वो डाल दीजिए, थोड़े हाई फ्लेम पे क्विकली उसको मिक्स कर लीजिए। ये काफ़ी सिंपल है लेकिन सबसे टेस्टी यही रेसिपी है। इसमें नींबू निचोड़ लीजिए। और फिर ढक के उसे एक दो मिनट के लिए पकने छोड़ दीजिए। साबुदाना आप श्रीखंड के साथ खा सकते हैं, नॉर्मल दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर छाछ के साथ। स्पाइस्ड बटर मिल्क बना रही हूँ। दही को अच्छे से चर्न कर लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। नमक और जीरा पाउडर ऐड कर लिया। थोड़ी सी शक्कर या मिश्री आप डाल के उसका खटास कम कर सकते हैं। अब एक दूसरे गंज में थोड़ा सा ऑयल में जीरा डाल दिया है। अब चाहे तो घी का भी तड़का लगा सकते हैं। जीरा अच्छे से तड़क जाने के बाद मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। मिर्ची और कड़ी पत्ता हल्का सा भून जाने के बाद आप उसमें बारीक चॉप्ड हरा धनिया डाल दीजिए।
अगर आप कड़ी पत्ता व्रत में ना खाते हो आप स्किप कर दीजिए। अब उसमें वो बनाया हुआ छाछ डाल देना है और फट से गैस को बंद कर लेना है। अगर गैस शुरू रह गया तो दही फट जाएगा। ये स्पाइस बटर मिल्क के साथ भी साबूदाना खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।